तमाशा, दीप का तमाचा, आरोही की मुश्किल, दीप का प्यार। अरे ये क्या कर रही हो दीप? कुछ नहीं आरोही, मैं तो बस नाप ले रहा हूँ। पर ये नाप किस लिए? शादी जो होने जा रही है हमारी, और ये शादी के जोड़े के लिए है। मैं चाहता हूँ कि हमारी शादी में सब कुछ परफेक्ट हो, खास तौर पर मेरी होने वाली दुल्हन। हाँ, आपसे परफेक्ट भी कोई हो सकता है क्या? हाय हाय मेरी जान, दिल जीत लिया आपने। जिसे आज दीप अपने गले लगा रहे हैं, रोमांस फरमा रहे हैं और समझ रहे हैं आरोही, लेकिन हकीकत में तो ये मोहतरमा है तारा, जो आरोही को कैद कर उनकी जगह दीप के घर आ गई है, और दीप इन सब हेरा फेरी से अनजान है। बिल्कुल, अभी आरोही और तारा में जो महा कंफ्यूजन है वो चल रहा है, बिकॉज दीप भी कंफ्यूज हो गया। मैं शूट करते करते कंफ्यूज हो गई हूँ। मैं सेट पे आके लिटरली ये पूछ रही हूँ कि अभी मैं क्या हूँ, तारा या फिर आरोही, बिकॉज फिर से अदला बदली हुई है, लेकिन इस बार थोड़ा बड़ा झोल है, क्योंकि इस बार किसी एक का काम तमाम होने वाला है। लेकिन इनके रोमांस पर ब्रेक जब लगा, जब तारा के हाथों में चोट आ गई और दीप बाबू बांधने लगे तारा के हाथों में पट्टी, और इसी के साथ आरोही उर्फ तारा की पोल पट्टी भी खुल गई। ऑब्वियसली अगर तारा जेम्स बॉन्ड है तो दीप भी कम नहीं। मुझे लगा आरोही है तो उसे चोट लगी है, तो ऑफ कोर्स दीप फर्स्ट एड तो करेगा ही, तो वही कर रहा है वो। फिर क्या था, दीप ने तारा को मारा एक झन्नाटेदार थप्पड़ और आरोही का पता भी पूछा, लेकिन तारा अपना भेद खुलने के बाद भी बाज नहीं आई। देखिए, खुद का ही सर फोड़ रही है और दीप को कर रही है चैलेंज। ये देखो दीप, मुझे दर्द नहीं आता, तुम अगर मेरे नहीं हो सकते तो क्या हुआ आरोही का भी तुम्हें नहीं होने दूंगी। तारा क्या करती है, तारा अपना खूनी खंजर उठाती है और बस निकल जाती है अपने हंट पे। इस बार वो आरोही और दीप के मिशन पे है, किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगी, बिकॉज शी हेट्स चीटर्स, और दीप ने जैसे उसने इतना प्यार किया उसे धोखा दिया, तो अभी शी इज आफ्टर बोथ ऑफ देम लाइफ। हाँ, ऐसी कोई चीज़ होती है जिससे मुझे पता चल जाता है कि आरोही नहीं है, उसे एक करारा जवाब दिया मैंने जोर का, एक प्लीज़ देखना ये एपिसोड कैसे उसे मैं जोर से थप्पड़ मारा, और अब मैं जानना चाहता हूँ कि आरोही कहाँ है और मेरे अतीत के बारे में भी जानना। तारा हरगिज नहीं चाहती कि दीप और आरोही कभी भी एक हो। एक तरफ मोहब्बत का जहर अब धीरे धीरे तारा की चाहत पर असर करने लगा है, जो दीप तारा का नहीं वो किसी का नहीं। दीप को हासिल करने के लिए तारा अब कुछ भी करने को तैयार है। क्या क्या करना पड़ता है, बिकॉज ये तारा जो औरत है बहुत कुछ अलग ही माइंड की है, एंड शी डजंट केयर यू नो अबाउट एनीबॉडी एनीथिंग। अब देखते हैं आरोही को तारा की कैद से दीप अब कैसे बचाते हैं और कैसे खत्म करते हैं एक तरफा चाहत का ये सिलसिला। लतिका पंडित, मुंबई, आज तक।